न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब न... ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरी, पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना चाहता हूं, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष की सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब तो इस बात का है कि ऑर्डर मिलने के बाद ही संभल के जिलाधिकारी, संभल के पुलिस अधीक्षक आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे बाद ही सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिस समय पहली बार सर्वे हुआ है और कोर्ट के आदेश के बाद पूरा का पूरा सहयोग, जो भी वहां जिम्मेदार लोग थे, जो भी जिम्मेदार वहां पर मौके पर थे, सबने सहयोग किया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा अब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरता, नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी तरह की विरोध नहीं हुआ। 29 तारीख को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट के केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23 तारीख को रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया कि 24 तारीख को यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा, जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर, लेकिन जानबूझ कर करके। आगे शाही जामा मस्जिद की कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि एक सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है, कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरा सर्वे करना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए और सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई।
संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार के संविधान के खिलाफ गैर कानूनी घटना को अंजाम न दे जा सके। और बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि संभल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे जाके, बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए, क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो, लाठी से, बंदूकों से, गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे, और फिर बीजेपी के पास जवाब क्या? जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? क्या वोट रोकने का अधिकार था? क्योंकि वोट लूटने पे चर्चा न हो, ये लोग लूटने वाले लोग हैं, इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते, लोग मायने नहीं रखते। इन्होंने तंत्र से समर्थन लिया और तंत्र से ही अन्याय कर रहे हैं। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं, अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। क्या जियाउल इस्लाम वहां थे, हमारे विधायक वहां थे, सांसद थे क्या वहां? जियाउर रहमान, कोई बता दे, वो बेंगलोर में थे, वो अपने कार्यक्रमों में थे, संभल में नहीं थे। और ये तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको नहीं पता, आप में से सब उत्तर प्रदेश के लोग हैं। अगर प्रेस के लोग भी सच दिखा दें तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के नेता ने कपड़े उतार करके प्रेस को मारा था, पूरे कपड़े उतार दिए थे। क्या कार्रवाई हुई बताइए आप? क्या प्रेस के लोग सुरक्षित हैं यूपी में? और अपना चुनाव जो लूटा है उसको छिपाने के लिए इन्होंने, सरकार ने जानबूझ करके किया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया। सदन में इसको उठाएंगे। मैं, हमारे सभी सांसद और तमाम विपक्ष के लोग इस सवाल को उठाना चाहते थे, लेकिन सदन में नहीं उठने का मौका दिया। कल भी नहीं मिलने का मौका, जब मिलेगा तब ये सवाल उठाया जाएगा और हमारे डेलीगेशन भी जाएगा वहां के लोगों के दुख दर्द परेशानी। और फिर सरकार के हाथ में सब कुछ है, अज्ञात में नाम डाल दिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कानपुर में जब दंगा हुआ था, अज्ञात में नाम लिख करके बड़े पैमाने पर पुलिस ने अन्याय किया था, पुलिस ने लूटा था पैसा और पुलिस अधिकारी को उन्हें हटाना पड़ा था, और यही आरोप था उन पर कि उन्होंने पैसा ज्यादा लूट लिया। अब बोल दिया, इसके बाद क्या बोलेंगे? लोगों ने वोट नहीं डाला, तंत्र से ही उन्होंने वोट डाल दिया और तंत्र से ही रिकॉर्ड बना करके जीत हासिल कर ली। आज आप लोग इस मामले को लेकर आदित्यनाथ जी की तरफ इशारा है आपका? साबरमती सरकार करा रही है, और आपको बहराइच का नहीं पता, उन्हीं के विधायक ने बीजेपी के अपने कैडर के ऊपर एफआईआर लगाई, और एफआईआर में देखिए धाराएं क्या लगी है। जब बीजेपी का विधायक कह रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं पर आरोप लगा रहा, और बाकायदा पीस कमेटियां बनती हैं, बाकायदा चीजें बातचीत से हल होती हैं। क्या जिलाधिकारी कप्तान ने कोई बातचीत की जब उसका पक्ष तैयार था सर्वे के लिए? सर्वे आप कर लीजिए, आप रिपोर्ट लगा दीजिए, आप किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं कोर्ट में, आप अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो आखिरकार कौन निर्देश दे रहा है मनमानी के लिए? आखिरकार कहां ऐसी ताकत है जिसके आगे सब झुक रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं? ये लगातार अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा कमजोर जो लोग हैं उनकी तरफ ही जाना चाहते हैं। तो उनपे एफआईआर दर्ज क्यों हो गई या उनका नाम क्यों डाल दिया गया? मैं इसी संबंध में मिला हूँ, और अज्ञात में हजारों नाम डाल दिए, इसलिए डालेंगे दबाव बना लें, और पुलिस तो जानते हो कैसे काम करती है।